ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਰਕੋ ਕੈਂਪਸ ਪੜਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਚ ਅਜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਵਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਤਾ ਸ਼ੌਂਕ ਕਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਵਣ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬਣਾਇਆ ਰਾਵਣ ਔਰ ਨਾਲ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲ ਦੋ ਜਨ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਮੰਨੂ ਰਮਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਚ ਪੜਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਸਵੀਂ बच्चा दसवीं क्लास के पढ़ता आ यदी उम्र 15-16 साल आदा नाम निशू है तो सवेरे स्टडी भी करता आ सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल के उतों का स्टूडेंट आ फिर उस तो बाद आके इन्होंने जो दृश्य तुम देख रहे हो रावण जी का तैयार किया आ सो बड़ी हार्डवर्क करते हैं पिछले साल भी इन्होंने एक रावण तैयार किया जीप वाला जो बड़ा लोगों ने उस चीज़ में भी दृश्य बड़ा प्यार दिता सो इस वक्त भी तुम देख रहे हो लाइव जो चल रहा है ये मध्यम कैमरे के द्वारा तुम देख रहे हो जो दृश्य ये भी इन्होंने बड़ी ही मेहनत के नाल दिन रात करके इन्हें तैयार किया आ सो एक ऐसा मैसेज है कि जो कि एक बच्चों प्रेरित करता है खास करके कि नशिया तो दूर रह के अपनी जिहड़ी जीवन लीला बड़े ही सुचे ढंग के नाल तैयार की जाए कि सो समाज के अगे वध्या जाए इस मैसेज का मतलब यही है कि बाकी जो अपने आले दुआले के काम चलते हैं जिस तरह असं देखते हैं लोग नशिया लैके अजक बहुत मुद्दा बनया हो पर ये बच्चे जो कि इस चीज़ा बना के सबू अपीशिएट कर रहे हैं कि किसी ना किसी प्रकार चाहे वह इस तरह का हो चाहे कोई एजुकेशन लैके कितना कितने अगे वधन का मैसेज दिता जाता है सो मैं सरकारों भी यही बेनती कराँगा आने वाले समय के योजे बच्चों जरूर चाहे कोई 26 जनवरी से चाहे 15 अगस्त के जरूर सम्मानित किया जाए कि होर बच्चों का भी उत्साह बढ़े। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰਾਵਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਤਾ ਸ਼ੌਂਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਵਣ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬਣਾਇਆ ਰਾਵਣ ਔਰ ਨਾਲ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲ ਦੋ ਜਨ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਮੰਨੂ ਰਮਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਮੁੰਡੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਸਵੀਂ बच्चा दसवीं क्लास के पढ़ता आ यदी उम्र 15-16 साल आदा नाम निशू है तो सवेरे स्टडी भी करता आ सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल के उतों का स्टूडेंट आ फिर उस तो बाद आके इन्होंने जो दृश्य तुम देख रहे हो रावण जी का तैयार किया आ सो बड़ी हार्डवर्क करते हैं पिछले साल भी इन्होंने एक रावण तैयार किया जीप वाला जो बड़ा लोगों ने उस चीज़ में भी दृश्य बड़ा प्यार दिता सो इस वक्त भी तुम देख रहे हो लाइव जो चल रहा है ये मध्यम कैमरे के द्वारा तुम देख रहे हो जो दृश्य ये भी इन्होंने बड़ी ही मेहनत के नाल दिन रात करके इन्हें तैयार किया आ सो एक ऐसा मैसेज है कि जो कि एक बच्चों प्रेरित करता है खास करके कि नशिया तो दूर रह के अपनी जिहड़ी जीवन लीला बड़े ही सुचे ढंग के नाल तैयार की जाए कि सो समाज के अगे वध्या जाए इस मैसेज का मतलब यही है कि बाकी जो अपने आले दुआले के काम चलते हैं जिस तरह असं देखते हैं लोग नशिया लैके अजक बहुत मुद्दा बनया हो पर ये बच्चे जो कि इस चीज़ा बना के सबू अपीशिएट कर रहे हैं कि किसी ना किसी प्रकार चाहे वह इस तरह का हो चाहे कोई एजुकेशन लैके कितना कितने अगे वधन का मैसेज दिता जाता है सो मैं सरकारों भी यही बेनती कराँगा आने वाले समय के योजे बच्चों जरूर चाहे कोई 26 जनवरी से चाहे 15 अगस्त के जरूर सम्मानित किया जाए कि होर बच्चों का भी उत्साह बढ़े।